पुटने वो पुट लो, एक को मारेगा दस उठेगा, दस को मारेगा पचास उठेगा, पचास को मारेगा हजारों उठेगा। कुछ भी नहीं कर सके। बहुत जबरदस्त गाइस, आज आपको आगे मैं शेलिंग की तरफ लेके जाता हूँ, आगे के क्या सीन से मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज जरा मेरे साथ शेलिंग हो रही है, सारी आवाम पीछे जाने के बजाय आगे जा रही है, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आज आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंडी का शहबाज शरीफ का काम नहीं है ना, लो ये कचरा के करो ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये आप लोगों ने ये रस्सी बना के आपस में बंद किया हुआ, क्या रीजन है? ऐसे आप लोग मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, इमरान खान की रिहाई पर पाकिस्तानी अवाम जश्न मना रही है। मैं इनके पास जाऊंगा, इनके आपको नारे सुनाऊंगा, किस किस्म के नारे, आजादी के नारे लगा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर। आइए मेरे साथ, आपको लेके चलता हूँ, क्या कुछ हो रहा क्या नहीं हो रहा अब देखिएगा यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, चलो भाई आप में से कौन बात करेगा, बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ये इतनी खुशी किस बात की? पहले तो यहाँ पर तो बड़े, मैंने रात को देखा यहाँ पर शेलिंग हो रही थी, लेकिन अभी तो जश्न मना रहे हैं आप लोग, क्या हुआ? हम इसलिए जश्न मना रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ चुका है, इमरान खान को की जो गिरफ्तारी उन्होंने गैर कानूनी करार दी थी। अच्छा, उनकी वजह से ये आवाम जिस खुशी में मना रही है, और इसके साथ हमने पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये पहले जिन्होंने गिरफ्तार किया था इनको ये चाहिए कि पहले क्यों कानूनी करार दी, अब वही लोग इनको गैर कानूनी करार दे रहे हैं। सर एक सवाल, एक बात भी नहीं समझ में आई, एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद उसे कहते थे कानूनी गिरफ्तारी है, फिर कुछ टाइम के बाद वर्दी वाले का जोर है ना, वो वर्दी वाले का जोर था, अभी अवाम का जोर है, उसका वर्दी हमने पार कर दिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंडी शहबाज शरीफ का काम नहीं है ना, लो ये कचरा के काम है, ये पोस्ट के काम है, और उसको हमने बोल दिया। एक मिनट, मेरी बात सुने, बोले एक कुत्ता पाला मुछो मारा। एक मिनट, इस तरफ आइए थोड़ा सा, बताएं 1947 से लेके अभी तक 75 साल गुजर गए, 75 सालों में मुल्क के ये हालात हो गए, हमें अब होश आ रही, हम अब जाग रहे हैं, इसके पीछे वजह कौन है? इमाम खमीनी को जब ईरान से निकाला था तो 22 साल जलावतनी उन्होंने गुजारी, उनसे पूछा आप इंकलाब की बात करते हैं, इंकलाब कैसे लेके आएंगे? उन्होंने कहा मेरा इंकलाब माओ की गोदों में पल रहा है, वो गोदों का पला इंकलाब इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। सही हो कि कैसे आए 75 साल में, क्यों नहीं हुआ? एजुकेशन नौजवान तबका अब जागा है, अब पता लगा है, बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही, आज लंदन प्लान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ा दी है, आज लंदन प्लान फेल हो गया। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं जमहूरियत। इसके साथ हम सारे अपने लीडर शाह महमूद कुरैशी असद उमर की भी फुल फोर मुतालबा करते हैं, उनको भी फुल फोर रिहा किया जाए, जिस कारकुन को भी पकड़ा उनको भी फुल फोर रिहा किया जाए, वरना ये अब ये इज्जत छोड़ दो, तुम्हारी इज्जत का वक्त चला गया, ठीक है? अभी ना तुम्हें कोई मानता है, ना हम मानेगा, और ना कभी तुम्हारे बातों में आएगा, और ना तुम्हारी आवाज लगाएगा कि फलाना जिंदाबाद, ढिंगना जिंदाबाद। सिर्फ काम तुम्हारा था, और हमें तुम्हारा तकबूर तोड़ना था, तुम्हारा तकबूर हमने तोड़ दिया है, तुम जो मर्जी कर सकते हो वो करो, जो पुटने वो पुट लो, एक को मारेगा दस उठेगा, दस को मारेगा पचास उठेगा, पचास को मारेगा हजारों उठेगा। कुछ भी नहीं कर सके, हमने सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान किया है, अभी तक तुमने पाकिस्तान का कोई पैदा नहीं किया है, सिर्फ नुकसान के अलावा तुमने कोई पैदा नहीं पहचाया, पहचानते हम आपको है, क्योंकि हम कबाइली है, हम आपका जो तुम्हारा जो ताकत है वो भी हम जानते हैं,
जो तुम्हारा वो गिदड़ बद्दी है वो भी हम जानते हैं, तुम कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तकबर हमने तोड़ दिया, ये चंद तकबे ने हमने तुम्हारे तकबर तोड़ दिया। आज बाज आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास ये जो अभी रहा कसर कसर है ये भी हम तुम्हारा निकाल देंगे। तो जो आया तकबर है ये भी हम तुम्हारा तोड़ देंगे। क्या आप लोग देख सकते हो जिस किस्म का जज्बा रात से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपने आने वाले टाइम के या पीछे कभी इस तरह का जज्बा देखा था कि एक लीडर के लिए, एक इंसान के लिए दूसरा इंसान जान देने के लिए तैयार है? आप बताइए, क्या हम अपने बच्चे अपने माँ बाप सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? इसमें तुम्हें भी तबाह कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब के लिए, कितने इतने बड़ा एहतजाज, पूरे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज? और वाली वही बात ये नहीं है, बात असल में ये है ना, जो इन लोगों ने हमें तकसीम किया ना, बात इसकी है, इन लोगों ने हमें पूरा तकसीम किया। जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने कहा था ना कि हम नहीं होएगा तो ये पठान लोग तुम्हें कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा बलूचिस्तान जो है ना वो मौलाना ने लिया था, फजलुर रहमान ने। तीसरा जो के पीके ना वो अवामी नेशनल पार्टी उसने लिया था। पंजाब जो है ना मुस्लिम लीग ने लिया था, ठीक है। पहले जब हम एंट्री होता ना पंजाब में तो हमें वो क्या नाम है एंट्री कार्ड पूछ लेता, ठीक है। हम एक दूसरे से मिलवाने नहीं दिया, ठीक है। जो रात को इन लोगों ने मिठाइयां बांट रहे भाई, मिठाइयां खा रहे हैं। एक मिनट मेरा बात सुनो। जो रात को इन लोगों ने शिलन किया इधर ना, बिल्कुल यकीन करो भाई ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही। आप लोगों को पता है हम पाटा वाले लोग है, हमारा पैर में अभी भी जो है ना इधर गोलियों का निशान है। ये इन लोगों ने जो शिलन किया था ना कुछ भी नहीं है, यकीन करो इस बोर्ड से ज्यादा गोली हमारे ऊपर भी बरसी है। हमने 52 मुल्कों को नहीं माना जो हमारे ऊपर मुसरत हुआ था, हमने रशिया को नहीं माना, हमने अमरीकी को नहीं माना, लेकिन ये सिर्फ अफसोस एक बात की है, हमें वसला बनाना भी आता है चलाना भी आता है। ये पाकिस्तान, ये जो क्या नाम है ख्वाजा सब ने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ना पठानों का तोहफा है, इसलिए इसने कहा था हम वही पठान है। लेकिन काश अफसोस एक बात की है, जो ये फौज है ना ये हमारा भाई है, अगर ये ना होता ना तो हमें असले बनाना भी आते चलाना भी आते। जब बटान का बच्चा पैदा होता है ना वो पहले फायरिंग कर लेते हैं, फायरिंग के बाद जब उसका मरनी होता है फिर फायरिंग, जब उसका शादी होता है फिर फायरिंग करते हैं, जब वो मर जाता है फिर भी फायरिंग से। हमें किस बात का खौफ नहीं है, हमने भी किया, किसी बात का खौफ नहीं है। हम रशिया से नहीं डरा, अफगानिस्तान में हम लड़ा है, वो हमारे पड़ोसी है। जब तक ये दुनिया रहेगा अल्लाह कुरान में वाज़ेह हुए कहा है जिहाद उसी टीम तक होएगा। काश ये हमारा फौज ना होता ना तो हम रात को इनको दिखा देता कि भाई लोग किस तरह लड़ रहे, हमारे उंगलियों का निशान, हमारे पैरों का निशान, अभी भी गोली का निशान है। हमारे पड़ोस में 9 बच्चों को मारे इसने, मुशर्रफ ने इसके ऊपर लिखा था कि भाई ये दहशतगर्द है, कुत्ते को मारा था हमारे घर में, कुत्ता छोटा बच्चा था उसको भी ड्रेस में डाल दिया इन लोगों ने। बस अफसोस एक बात की है, काश अगर ये हमारा भाई, मित्रों आगे हो जाओ, ये हमारे भाई को पीछे कर दो, फिर पता चलेगा कि लोग किस तरह लड़ रहे। हमें जीने का कोई शौक नहीं है, हमारा एक ही टारगेट है इमरान खान। जब तक इमरान खान रहेगा हम रहेगा। इमरान खान साहब के लिए इतना जज्बा क्यों? क्या दूसरा कोई पॉलिटिशियन, दूसरा कोई हुक्मरान इतना काम अच्छा लगा? इमरान जी नहीं है भाव गैरत के, जमीर के, चाहे और नवाज शरीफ मैदान में इमरान खान को छोड़ देगा। हमारे सिर्फ एक ईमान है, सिर्फ सियासतदान है, आलम इस्लाम के लीडर नहीं है, इनको हम लीडर न कहे, ये चोर है। ओ भाई मेरे बात सुनो, इन लोगों ने हमें तकसीम किया था, अभी हमारा नफरत था पंजाबी से 2008 से मिलकर 2019 तक 18 तक, लेकिन जब हमें पता चला कि भाई पंजाबी तो हमारा भाई है, हमारा एक पाकिस्तान है, इन लोगों ने हमें तकसीम किया था यार ये पठान है, हमें पूरा बुरा बना कहता था। लेकिन बांग्लादेश को हमसे अलग किया, अभी ये पंजाब को भी करना चाहते हैं, सिंध को भी करना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को भी करना चाहते हैं। इमरान खान ने सिर्फ केपीके पर पंजाब का बात नहीं, उसने एक होने का पाकिस्तान का बात किया कि भाई पाकिस्तान, उसने एक जगह का नाम नहीं लिया। जब पंजाबी आता है वो नवाज शरीफ को पंजाब का नाम लेते हैं, जनताप आता है उधर का नाम लेते हैं करची का, जब पीपल आता है वो भी वो क्या नाम है सरदारी कह रहे कि भाई जिस शहर में 3 करोड़ पठान बसते उसमें मैं किस तरह उसको दे दूं। हम एक ही है,
जिस बिजनेस में भी जाएगा हम एक ही है, हम एक है, हम एक रहेंगे, एक मरेंगे। मुसलमान वो हमारा भाई है, जिधर भी होएगा मुसलमान हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। जब इलेक्शन होता है अमेरिका में ना, उस तरह उधर की तरह किस तरह इलेक्शन होता है आपको पता है? मुशा वो क्या ना, बुश सदर बुश ने कहा था ना भाई मुझे वोट दो, वोट दो मुझे, शेलिंग स्टार्ट होगी। बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है यार, वो चल रहे इन लोगों ने, वो लोग क्या कह रहे हैं ना भाई उसामा उन लोगों ने नहीं ढूंढा, मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, उसने इलेक्शन जितवाए, फिर बाद में ओबामा आया भाई मैं मुला उमर को मार दूंगा, उस लोगों ने उस तरह उठ दिया, फिर उसके बाद वो क्या नाम है वो डोनाल्ड ट्रंप आया, वो भाई इन लोगों मुला उमर को नहीं मार, मैं मार दूंगा, फिर उसको जितवाया। ये अमरीका लोग भी हमारी इधर लोगों मरने पे इलेक्शन कर रहे हैं, बात यही बात है। लेकिन ये लोग जो है ना यार, अभी सब कुछ हो गया, हल हो गया, फिर उसके बाद शेलिंग क्यों कर रहे हैं? पुलिस दोबारा से आ रही, शेलिंग कर रही है आवाम के ऊपर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यकीन करो खुदा की कसम, हमने अपने आंखों से 50 बार जो है ना बमबारी देखा, हमने अपने जहाजों की बमबारी देखा अपने लोगों के ऊपर, बिल्कुल सही हो गया। जो हमारा अपना लड़ रहा था हमारे से, अपने लोगों से, बहुत जबरदस्त। गाइस आज आपको आगे मैं शेलिंग की तरफ लेके जाता हूँ, आगे के क्या सीन से मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आज जरा मेरे साथ। शेलिंग हो रही है, सारी आवाम पीछे जाने के बजाय आगे जा रही है, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आज 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 मैं दिखाता हूँ आपको, शेलिंग स्टार्ट हो गई है, शेलिंग आज आज शेलिंग। अरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, धुआं उड़ रहा है, शेलिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है हुकूमत की जानिब से। अवाम यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो देख सकते हैं आप, एक जगह पर इकट्ठे हो चुके, मैं आगे नहीं जा पा रहा बिकॉज के आगे शेलिंग हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इन लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आगे ना जाए, क्या कहना चाहेंगे? शेलिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, ये देखें, इनसे तो हमारे खान की कामयाबी भी हजम नहीं हो रही, और आप देख सकते हैं कि ये कोई मैनर्स नहीं होते। वहाँ पे चीफ जस्टिस हमारे कप्तान को देख के कह रहा है कि हमें बहुत खुशी हुई है कि जनाब हमने आपको देखा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुनाजिर हैं और वो किस तरह के बदले ले रहे हैं हमारे, ये कोई पाकिस्तान का रोल नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, आज जरा थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखे यहाँ पर, ये जरा देखे जरा यहाँ पर, ये हालात है गाइस। अभी मैं अभी आपको आगे लेके चलूंगा, आगे 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 आ जाइए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे आ जाइए। ये क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये आप लोगों ने ये रस्सी बना के आपस में बंद किया हुआ, क्या रीजन है? नून लीग के कुछ इंतशारी हमारे रूप में यहाँ पे आ गए और इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हम उनके साथ इंतशार नहीं चाहते। मतलब क्या, दोबारा से शेलिंग क्यों स्टार्ट हुई है? ये इंतशारियों ने कुछ शरारत की है, ये देखें सब पीटीआई पूरा मन खड़ी है, बिल्कुल सही, इंतशारियों ने शरारत की है, उसको रोकने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। तो आप लोग ये अपने मुजाहिरीन को आगे जाने नहीं दे रहे, अपने जो आपके साथ ही जो है पीटीआई के जो सपोर्टर है उनको आगे जाने नहीं दे रहे? सर हम इनमें इंतशारी भी हो सकते हैं, हम किसी को नहीं आगे जाने दे रहे हैं। बिल्कुल सही, हमारे जो बड़े हमायदीन है वो वहाँ गए सुलह सफाई के लिए। बिल्कुल सही, पुलिस के साथ मुजाहरे कर रहे हैं, किन के साथ मुनाजरा करने जा रहे हैं? पुलिस वाले जो बड़े अफसर आने के, हमारी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही हो गया, तो बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। सर वो हमारे हमायदीन है, बड़े हैं हमारे। अच्छा सही हो गया, मैं आगे इनकी तरफ चलूंगा। भाई आपने मास्क पहना हुआ, इससे क्या फायदा होता? इससे फायदा ये होता है कि ये दो नंबर पीडीएम के लोग घूम रहे हैं ना, ये उनको वीडियो देते हैं ना हमारी, और ये बुजदलाना काम करते हैं, वीडियो के जरिए लोगों को घर से उठाते हैं। अगर इनमें इतनी ताकत है तो फिर सीधा ऐसे हमारे से मिले बात करे, ये कौन सा तरीका हुआ लोगों को ट्रेस करके कराते निकालना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी ये देखे गाइस, वो जाने नहीं दे रहे, वो भाई किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि भाई इधर से आगे नहीं जाना बिकॉज के आगे खतरा है। तो गाइस आप लोगों ने देखी क्या सुनहरियो चल रही है जमान पार्क के अंदर, मैं मजीद कोशिश करूंगा एक दो बंदों से बात करूँ और बात करके इस चीज के बारे में पॉइंट आउट करवा सकूँ, बता सकूँ की मजीद यहाँ पर क्या होने जा रहा और ये हालात कब तक यहाँ पर चलेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो हालात कब तक खराब रहेंगे और ये इसका हाल कब तक? हालात इंशाल्लाह अमन में आ गए, क्योंकि खान साहब की जमानत हो गई है, उन्होंने बता दिया जमानत होगी। वो बच्चे कह रहे कि हम आराम से वहाँ बैठे थे, जान पूछ के उन्होंने शिलिंग की, हम ये देखे अब लड़ने आ रहे हैं, हम अमन से बैठे हुए थे, वो
वो हमें लड़ने के लिए फिर तैयार करे कि फिर लड़े। वो एक भाई ने बताया शेलिंग 2018 की है, एक्सपायर शेल हमारे ऊपर फेंक रहे। अब जाएंगे ना तो दिल मुंह को आ जाता है। हम कल रात वहां पर उनके साथ लड़े, हम पर अमन ने हमने हल्की सी आग जलाई, हम इत्तेजाज कर रहे हैं, वो आके हमारे ऊपर जहरीला पानी और वो फेंक रहे हैं। सर इस तरह के सिनेरियोस फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के खिलाफ लड़े जाते हैं। सर ये पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा है, ये कैसा? ये भाई जान, ये जो पुलिस है ना, ये भी हमारे मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये पीछे से जो हाफिज साहब के ऑर्डर है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। वो लोगों कहते हैं अगर तुम लोगों ने ना इनको शेलिंग नहीं की, एक्सपायर शेलिंग, और इनको मारा नहीं डंडों से, तो हम आपके साथ करेंगे। लोगों के घर को नीचे गिरा के लोगों को लेके जा रहे हैं, पीटीआई के वर्कर को जान पूछ के। कल रात को हमने खुद देखा कि एक बंदा जली हुई गाड़ी ना भगा के लेके आ रखे थे, यार मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, जान पूछ के शेल पुलिस ने अंदर मारे उसके गाड़ी के, वो बेचारे के 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब उसका क्या करें? बिल्कुल सही गाइस, आप लोगों ने जानी ये सूरत हाल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मुजाहरे शुरू हो गए। बस इसी के साथ मुझे इजाजत दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।